नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। बीएसएफ ने किया एक बार फिर पाक की नापाक हरकत को नाकाम। मंगलवार मध्य रात्रि को पाकिस्तान के द्वारा भारतीय सीमा में मादक पदार्थों की तस्करी करने का मामला सामने आया। मादक पदार्थों की सप्लाई ड्रोन के द्वारा की जा रही थी, जिसे बीएसएफ की जी ब्रांच व जवानों ने फायरिंग कर नाकाम कर दिया। जी ब्रांच पहले से ही इस इलाके में सक्रिय थी, जिसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी को नाकाम किया गया। श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौर, डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर बीकानेर ने बताया कि बीएसएफ की जी ब्रांच अपने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पहले से ही इस इलाके में सक्रिय थी एवं इस इलाके में तस्करी की घटनाओं को देखते हुए इस इलाके को सतर्क कर रखा था। तस्करी की इसकी पुख्ता जानकारी मिलने पर बीएसएफ ट्रूप्स द्वारा श्री अमिताभ पनवार कमांडेंट के दिशा निर्देशन में संदिग्ध जगहों पर नाकाबंदी की गई। दीपेंद्र सिंह शेखावत उप कमांडेंट के नेतृत्व में जी ब्रांच टीम में इंस्पेक्टर सुनील कुमार, इंस्पेक्टर ताराचंद यादव, बीएसएफ की टीम इलाके में तैनात थी। मध्य रात्रि को जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की आवाज सुनाई दी तो अलर्ट जवानों ने उसी दिशा में फायर किया गया। उस जगह पर घेराबंदी करके सर्च अभियान चलाया गया तो दो पैकेट में मादक पदार्थ हेरोइन संभावित पाई गई। संभवतः फायरिंग की आवाज सुनकर अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भागने में कामयाब रहे। रावला मंडी पुलिस ने भी जगह जगह नाकाबंदी कर रखी थी। जब्त किए गए मादक पदार्थ लगभग 5 किलो 300 ग्राम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 25 करोड़ के लगभग है। श्री राठौर ने बताया कि इस क्षेत्र में बीएसएफ जी ब्रांच अपनी आसूचना के आधार पर बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही है। पूर्व में भी के टीबा सीमा चौकी के पास 4 तस्करों के साथ 2.5 किलो हेरोइन बरामद की थी एवं पिछले समय में नेमीचंद सीमा चौकी के पीछे हेरोइन की डिलीवरी लेने आए 2 तस्करों को पुलिस के साथ दबोचा गया था। अब तक बीएसएफ ने अपनी आसूचना के आधार पर लगभग 40 करोड़ की हेरोइन एवं 6 तस्करों को पकड़ा है, जिससे कि स्थानीय तस्करों में दहशत का माहौल बना हुआ है एवं इस इलाके में सघन चौकसी बढ़ा दी गई है, जिससे कि इस इलाके में तस्करी की किसी भी प्रकार की घटना को होने से रोका जा सके।